होते हैं। आपको याद है ना कैसे नोटों के पहाड़ झारखंड से निकले थे। टीवी में महीनों तक वो नोटे के पहाड़ दिखाए जाते थे। ये नोटों के मशीन से नोट नहीं आई, ये नकली नोट नहीं थी, ये आपकी मेहनत की कमाई का पैसा उन्होंने लूट करके जेब भरा था। ये आपका पैसा है भाइयों बहनों। इस चुनाव में ये भ्रष्टाचार करने वाले, आपके धन को लूटने वाले, देश के खजाने को लूटने वाले, झारखंड के खजाने को लूटने वाले, उसकी पाई पाई का हिसाब करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे आपको साथ चाहिए भाइयों। आज यहां राज्य सरकार के संरक्षण में झारखंड के खान, खनिज, बालू सबकी लूट हो रही है। इन्होंने सेना की जमीन तक को नहीं छोड़ा। इन्होंने झारखंड के लोगों की जमीन को भी नहीं छोड़ा। मुझे यहां के लोग बता रहे थे अपनी जमीन बचाने के लिए लोगों को बोर्ड लगाना पड़ता है कि जमीन बिकाऊ नहीं है। और ये हालत जमशेदपुर जैसे शहरों तक में है। साथियों, जेएमएम वालों की अब चला चली की बेला आ चुकी है और इसे लोग बौखलाए हुए हैं। भाजपा के नेताओं पर झूठे केस लादे जा रहे हैं। सत्ता जाने के डर से इन्होंने अपना झूठ का पिटारा निकाल दिया है। आप मुझे बताइए, इन्होंने जब तक नौकरी नहीं तब तक बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, कितने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता मिला? मिला क्या? इन्होंने शहरी रोजगार योजना शुरू की, शहरों में रोजगार मिला क्या? उल्टे वो योजना ही दो महीने में बंद हो गई। हालात ये हैं कि भर्ती परीक्षाओं के नाम पर राज्य में 15 से ज्यादा युवाओं की जान तक चली गई। 15 नौजवान उस मां के लाडले, उस बहन के भाई, इस सरकार की गलत व्यवस्था के कारण अपनी जान गंवा बैठे। प्रदेश सरकार संवेदनशील होने की जगह जख्मों को कुरेदने में लगी है। इस घटना में जिन युवाओं की जिंदगी गई है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवारों को सांत्वना देता हूं और मैं वादा करता हूं झारखंड में कुछ ही महीनों के बाद जब बीजेपी सरकार बनेगी, एनडीए सरकार बनेगी, तो इस सारे मामले की जांच करवाई जाएगी।
और जिम्मेवार लोगों को हर प्रकार से कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। साथियों, झारखंड की वर्तमान सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। इन्होंने हर साल जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं आयोजित करवाने का वादा किया, लेकिन वादा पूरा करने की जगह सरकार के संरक्षण में नौकरी बेचने वाले गिरोह पनप रहे हैं। यहां पेपर लीक करने वालों को शहद दी जा रही है, हर परीक्षा गड़बड़ियों का शिकार है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। यहां की सरकार आपसे सिर्फ झूठ बोल सकती है, झूठे वायदे कर सकती है। भाई और बहनों, गरीबों को झांसा देने के लिए इन्होंने पेट्रोल डीजल देने में की योजना भी चलाई थी। आप में से किसी को पेट्रोल डीजल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना? क्योंकि ये वो योजना भी झूठा दिलासा था, उसे भी दो महीने में बंद कर दिया गया। अब ये महिलाओं को पैसे देने के नाम पर गरीबों को भरमाने के लिए नए नए तिकड़म लगा रहे हैं। इसलिए आपको ऐसे धोखेबाजों को सरकार से बाहर निकालना है। साथियों, वादे करना और उन्हें पूरा करना ये केवल बीजेपी ही करती है। एक और हमारी सरकार है, हमने चुनाव में गरीबों को 3 करोड़ और पक्के मकान देने का वादा किया था। पिछले महीने ही सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी है। हमने 70 साल से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज की गारंटी दी थी। कुछ ही दिन पहले सरकार ने उस फैसले पर भी मोहर लगा दी है। हम हर घर तक जल पहुंचा रहे हैं। हम लगातार छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपको याद होगा ढेर सारी घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने भी की थी। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में युवाओं और महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन जब महिलाएं ये पैसा मांगने कांग्रेस दफ्तर पर गई तो महिलाओं को अपमानित किया गया। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां वहां ऐसे झूठ की दुकान, ऐसे ही झूठ की दुकान खोली जा रही है। साथियों, जेएमएम वाले भी जब जब कुछ देने की बात करें तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जेएमएम को भी ये ट्रेनिंग कांग्रेस से ही। मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, बारिश कितनी ही तेज क्यों न हो, रुकावटें कितनी ही ज्यादा क्यों न हो, लेकिन कोई भी रुकावट मुझे आपसे अलग नहीं कर सकती है। मैं आपके दर्शन किए बिना वापस नहीं जा सकता हूं, और इसलिए बाय रोड भी
मैं आपके दर्शन करने के लिए पहुंच गया। साथियों, क्रांति और बलिदानों की यह धरती भगवान बिरसा मुंडा के तप, त्याग और आशीर्वाद की धरती, वो धरती जिसने पोटोहो जैसे कोल्हान के महान योद्धा दिए, जिसने जमशेद जी जैसे उद्यमी के जरिए आजाद भारत के सपनों को सींचा था। मैं झारखंड की इस महान धरती को प्रणाम करता हूं। साथियों, आज कर्मा पूजा की उमंग के बीच यहां आने से पहले मुझे झारखंड को विकास की कई बड़ी सौगात देने का सौभाग्य भी मिला है। मैं कर्मा पर्व की आप सभी को बधाई देता हूं। साथियों, उत्सव के इस माहौल में आज झारखंड को 6 नई वंदे भारत ट्रेनें मिली है। झारखंड के अलग अलग शहरों में लोगों को अब आधुनिक सुविधाओं के साथ हाई स्पीड सफर का अनुभव मिलेगा। इसका बड़ा फायदा मध्यम वर्ग को होगा, उद्यमियों को होगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार और प्रगति के भी अवसर बनेंगे। साथियों, आज झारखंड के हजारों गरीबों को पीएम आवास योजना के जरिए पक्के घर भी मिले हैं। इनमें से ज्यादातर घर मेरी माताओं बहनों के नाम पर है। कर्मा पूजा के दिन बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। आज आपका ये भाई अपनी बहनों को अपने पक्के घर का उपहार देकर धन्य हो गया है। साथियों, कुछ ही महीने पहले मैं लोकसभा चुनाव के दौरान भी आप सबका आशीर्वाद मांगने झारखंड आया था। आप उस तपती गर्मी में भी मुझे अपना स्नेह देने आए थे। दुनिया ने देखा, एक तरफ सारा विपक्ष मोदी को हराने के लिए बेचैन, पूरी जमात बड़े बड़े षड्यंत्र, बड़ी बड़ी साजिशें, झूठ फैलाने की इतनी बड़ी मशीनरी, इतना बड़ा अफवाह का तंत्र, देश को बांटने और तोड़ने वाली ताकतें। लेकिन आपका आशीर्वाद उन सब पर भारी पड़ा। मैं आपके इस प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा सौभाग्य है आज देश के दलित, वंचित, गरीब, आदिवासी और महिलाओं का आशीर्वाद मुझ पर है, देश को मोदी पर भरोसा है।
आज युवाओं का भरोसा मोदी पर है, मध्यम वर्ग का भरोसा मोदी पर, और इस भरोसे को मजबूत बनाने के लिए मोदी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आप इतने उत्साह में हैं, इतनी आवाज आ रही है, शायद सबको सुनाई नहीं देता होगा। मेरी प्रार्थना है आपका उत्साह बनाए रखिए, लेकिन अगर थोड़ी शांति रखेंगे तो मेरी बात सब दूर पहुंच पाएगी। तो मैं चालू करूं, बात बताऊं? साथियों, झारखंड और भाजपा का रिश्ता सिर्फ एक राजनीति का रिश्ता नहीं है, सिर्फ चुनावों का रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता अपनेपन का है। झारखंड का सपना भाजपा का अपना सपना है। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आप जवाब देंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, जवाब देंगे? सबके सब जवाब देंगे? जरा मुझे बताना, अलग झारखंड राज्य का सपना किसकी सरकार में सपना पूरा हुआ? भाजपा सरकार में। किसकी सरकार में? आकांक्षी जिला योजना के जरिए झारखंड के पिछड़े जिलों के विकास की चिंता पहली बार किस सरकार ने की? भाजपा सरकार ने की। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत किस सरकार ने की? भाजपा सरकार ने की। आप भी जानते हैं कैसे देश में दशकों तक आदिवासी युवाओं को शिक्षा व्यवस्था से दूर रखा गया। ऐसे में किसने आदिवासी बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की चिंता की? किसने 400 से ज्यादा एकलव्य आदिवासी विद्यालय बनाए? बीजेपी की सरकार ने। और इतना ही नहीं, आदिवासी समाज से एक महिला को देश की राष्ट्रपति किसने बनाया? तो जवाब एक ही है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। साथियों, पहले की सरकारें खनिज संसाधनों से संपन्न झारखंड और दूसरे इलाकों से केवल वसूली करती थी। मैंने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी डीएमएफ बनाकर आपको आपका हक दिलाया। आज भी भाजपा केंद्र में रहकर झारखंड के विकास के लिए पूरे समर्पण भाव से, सेवा भाव से काम कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप राज्य सरकार में भाजपा को मौका दीजिए, झारखंड के विकास के लिए भाजपा कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। साथियों, झारखंड के तीन सबसे बड़े दुश्मन है। ये झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे,
उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा। झारखंड के ये तीन दुश्मन है, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया, लेकिन इन्होंने देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। साथियों, ये लोग स्वार्थ और सत्ता में किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देखिए, ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ है। इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नौजवान बेटियों के, हर मां बाप के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है। दो तीन दिन पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठ की जांच के आदेश दिया है, लेकिन यहां जेएमएम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। भाइयों और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। आप ये नीचे रखिए, पीछे लोगों को दिखता नहीं है, नीचे रखिए। आप सब कुछ नीचे रखिए, वो फ्रेम वगैरह सब नीचे रखिए। आप, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, भाई मैंने देख लिया। आपकी मेहनत की मैं इज्जत करता हूं। आप भी नीचे रखिए, पीछे लोगों को परेशानी हो रही है। प्लीज, आपने इतना बढ़िया चित्र बनाया, आपका प्यार मुझे मंजूर है, इसको नीचे रखिए, पीछे वालों को परेशानी हो रही है। का ये प्यार मेरे सर आंखों पर है। भाई बहन, मैं इस प्यार को कभी भूल नहीं सकता। साथियों, मैं घुसपैठ की बात कर रहा था। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। घुसपैठिए पंचायतों पर, व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। बेटियों के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही है। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। साथियों,
सच्चाई ये है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। ये घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। इसके लिए सबसे पहले ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं। यही हाल जेएमएम का भी हो रहा है। इसलिए हमें एक बात साफ साफ समझनी होगी, जेएमएम और कांग्रेस जैसे दलों को आपका वोट नहीं चाहिए। ये दल मजहब के नाम पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। यही समय है, हमें इस खतरे को यहीं पर रोकना होगा। इसके लिए झारखंड के हर एक नागरिक को एकजुट होना होगा, भाजपा को मजबूत करना होगा। साथियों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग किसी के भी सगे नहीं होते। जेएमएम सरकार के 5 साल का कार्यकाल इसका सबूत है। वोट लेने के लिए लोग आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जेएमएम के लिए आदिवासी समाज का सम्मान नहीं, अपना सियासी फायदा सबसे ऊपर है। आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या?